अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग रियली वेल। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। हम नंबर सिस्टम कन्वर्जन करेंगे। नंबर सिस्टम कन्वर्जन आप लोग जैसे टिपिकली करते हैं डिवाइड करके, उसका रिमाइंडर निकाल के, क्वेश्चन निकाल के, तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना टाइम लग जाता है। पेपर में हमारे पास बहुत कम टाइम होता है और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपके ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और समटाइम लॉन्ग क्वेश्चन में भी ये जो है क्वेश्चन आ जाता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो टिपिकल वे डिवाइड करके उसका क्वेश्चन और रिमाइंडर लिख के हम लोग आंसर निकालते हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैं आज आप लोगों को एक क्विक वे बताऊंगी जिससे आप जो है डेसिमल टू बाइनरी यानी आप नंबर सिस्टम कन्वर्जन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग टिपिकल मेथड ऑफ डिवीजन। आप कैलकुलेटर से फौरी फौरी जो है काम कर सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये है कि टाइम कम लगेगा। दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि आपका जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर सिस्टम कन्वर्जन, हमने कन्वर्जन करनी है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं बेसिकली हमारे पास कितने टाइप्स के नंबर सिस्टम हैं। हमारे पास हैं सबसे पहले डेसिमल। डेसिमल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जिसके अंदर 0 से 9 नंबर्स आते हैं और इसकी बेस हमारे पास क्या है, 10। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ना है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसमें हमारे पास नंबर आते हैं 0 एंड 1 और इसकी हमारे पास बेस होती है 2। थर्ड पे हमारे पास आ जाते हैं हेक्साडेसिमल। ये हमारे पास 0 to 9 और A to F, यानी कि यहाँ हम यानी कि 10 हमारे पास होगा A के इक्वल, 11 होगा B के इक्वल और 12 होगा C के इक्वल, 13 होगा D के इक्वल, 14 हमारे पास इक्वल होगा E के और 15 हमारे पास इक्वल होगा F के। यानी कि हमने 10, 11, 12 नहीं यूज़ करने, हम 10 को कंसीडर करेंगे A और 11 को कंसीडर करेंगे B और 12 को कंसीडर करेंगे C और 13 को कंसीडर करेंगे D एंड सो ऑन। तो इसमें जो नंबर है वो 0 to 9 और A to F होते हैं और बेस हमारे पास इसकी क्या होती है, 16। ये नंबर सिस्टम का बस मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना चाहती थी ताकि जब मैं कन्वर्जन करवाऊँ तो आप लोगों को ये पता हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू हेक्सा कन्वर्जन करेंगे, उसके बाद हेक्सा टू डेसिमल और हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्जन करेंगे और उसके बाद हेक्सा टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्सा कन्वर्जन करेंगे। ओके, सबसे पहले जो बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब हमारे पास नंबर डेसिमल में होगा और उसकी हमने कन्वर्जन हेक्सा में या बाइनरी में करनी है तो हम लोगों ने डिवीजन मेथड यूज़ करना है। स्टूडेंट्स अक्सर जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हम लोगों ने डिवीजन मेथड यूज़ करना है या एक्सट्रैक्ट मेथड यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने डिवीजन मेथड यूज़ करना है। डिवीजन हम कन्वर्ट करने लगे हैं डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, डेसिमल टू हम बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, डिवीजन मेथड यूज़ करना है। क्लियर, ये हम एग्जांपल बुक से ही ले लेते हैं। हम 156 को डिवाइड करेंगे। 156 जो है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको हमने कन्वर्ट करना है किस में, बाइनरी में। तो ठीक है, जिस नंबर सिस्टम में हम कन्वर्ट करते हैं यानी हमारे पास डेसिमल है और किस में हम कन्वर्जन कर रहे हैं, बाइनरी में, उसकी जो बेस होती है उससे हम उस नंबर को डिवाइड कर देते हैं। यानी यहाँ हमारे पास है 156, इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेटर के ज़रिए जो है आंसर निकालना बताऊँगी और वो इंतहाई ईजी है और बहुत लेस टाइम टेकिंग है। वरना हम क्या करते हैं, 156 को हम डिवाइड करते हैं 2 के साथ और सो ऑन, ये मेथड करते जाते हैं, जो फिर इसका क्वेश्चन आता है वो यहाँ लिख देते हैं, जो रिमाइंडर आता है
वो यहाँ लिख देते हैं, और ये काम करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और ऑब्जेक्टिव के पेपर में हमारे पास मैक्सिमम 20 मिनट्स होते हैं, ये काम करते करते 10 मिनट लग जाते हैं, हमारा सारा टाइम निकल जाता है। तो हमने क्या करना है, हमने कैलकुलेटर को यूज़ करना है, कैलकुलेटर को यूज़ करना है, और जो मैं मेथड आप लोगों को बताऊंगी उसको आपने फॉलो करना है। आपका ये जो क्वेश्चन है वो विद इन सेकेंड्स जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, 156 को हमने डिवाइड कर देना है 2 के साथ, तो आपके पास आंसर है 78। आप लोगों ने बस इस चीज़ का ख्याल करना है, अगर आपके पास आंसर होल नंबर है यानी विदाउट पॉइंट है, तो आपके पास रिमाइंडर क्या होगा, 0। और अगर आपके पास आंसर जो है पॉइंट वाली वैल्यू आई है, तो आपके पास रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। आपने बस इस बात को याद रखना है, अगर होल नंबर है तो रिमाइंडर 0, अगर पॉइंट वाली वैल्यू है तो रिमाइंडर 1 होगा, क्लियर। अब 156 को हमने डिवाइड किया 2 के साथ, तो 78 आंसर आ गया। तो हमारे पास क्या आया, होल, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, 0, और ये हमारे पास ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब हम अगेन इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 78 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो आंसर हमारे पास आया 39, होल नंबर, तो रिमाइंडर हमारे पास 0, और हमने यहाँ लिख देना है 39। फिर 39 को अगेन डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आया है, पॉइंट में हमारे पास आंसर आया है 19.5। तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए, यानी पॉइंट को ख़त्म किया, तो इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर वन डाल दिया, पॉइंट ख़त्म हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या नंबर लिखना है, हमने यहाँ पे नंबर लिखना है 19, पॉइंट के अलावा वाली वैल्यू, क्लियर। मैं दोबारा बता दें, पॉइंट के साथ अगर आपकी वैल्यू आती है तो रिमाइंडर 1 होगा, और पॉइंट के बाद वाला आपने पोर्शन डिस्कार्ड कर देना है, और उसके जो अलावा आपके आंसर आया है आपने यहाँ पे राइट कर देना है, ठीक है। अब हम अगेन 19 को लेंगे, 19 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 9.5। तो हमने क्या करना है, 0.5 की जगह यहाँ पे 1 डाल दिया, और 9 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। फिर हम 2 ले लेंगे, 9 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 4.5, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 1। आई होप आप लोगों को अब समझ आ रही होगी कि मैं किस तरीके से सॉल्व कर रही हूँ। फिर हम 4 ले लेंगे, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, होल नंबर है, आंसर हमारे पास होल नंबर आया, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो 2 है तो ये ऑटोमेटिकली बात है कि हमारे पास यहाँ पे क्या, रिमाइंडर 0 रह जाएगा। और जब हमने आंसर लिखना है, तो हमने आंसर हम ऐसे लिखते होते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे ऊपर जाते होते हैं, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 100100, इसकी बाइनरी बन जाएगी 156 की, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास यही आंसर आया है, 100000, ठीक है। आप इस मेथड से करेंगे तो आपको जो है आपका बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हेक्सा में कन्वर्ट करके देखते हैं, फिर हम जो है अदर सिस्टम से जो है इसमें जाएंगे। हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं, मैं बुक से ही एक एग्जांपल लूँगी, ये वाली 69610 वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 69610 को, ये डेसिमल में है, आपने इसको कन्वर्ट करना है हेक्सा में। अगेन वही चीज़, डेसिमल से जब भी आप अदर नंबर सिस्टम में जाएंगे तो जो उसकी बेस होगी उससे आपने उसको डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 69610 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 16, क्योंकि हम बेस 16 में जा रहे हैं। ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, वो तो बहुत इजी था, हमने सिर्फ पॉइंट वाली वैल्यू को देखना था, यहाँ पे थोड़ा सा काम एक स्टेप ज़्यादा हो जाता है, देख लेते हैं, वो भी बहुत आसान है। हमारे पास नंबर है 69610 डिवाइडेड बाय 16, तो आपके पास जो आंसर आया हम वो यहाँ पे लिख लेंगे, 3530.625, ठीक है। हमने पॉइंट वाली वैल्यू को इग्नोर करना है, हमने इसको यहाँ पे लिख लेना है 4350, ठीक है। यहाँ पे रिमाइंडर हमने कैसे निकालना है, जो हमारा ये आंसर आया है इसको हम अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे 16 के साथ, 4350, पॉइंट के अलावा, पॉइंट को हम काट देंगे, ठीक है। 4350 इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 16 के साथ, तो जो हमारे पास आंसर आया है इसमें से, ऊपर वाले नंबर में से इस नंबर को हम माइनस कर लेंगे। ऊपर वाला नंबर हमारे पास क्या है, ये इस नंबर को हम राइट डाउन कर लेते हैं 69600, और ये हमने
सिक्स नाइन सिक्स टेन से माइनस कर देना, ठीक है। यानी सिक्स नाइन सिक्स टेन माइनस सिक्स नाइन सिक्स हंड्रेड, ठीक है। आंसर आया हमारे पास 10, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 10। क्लियर। मैं दोबारा समझाती हूँ आप लोगों को, जो हमारे पास नंबर है उसको हमने डिवाइड करना है 16 के साथ। नंबर है 69610 डिवाइडेड बाय 16। हमारे पास नंबर आया है 4350.625, तो हमने पॉइंट के बाद वाली वैल्यू डिस्कार्ड कर देनी है। 4350 हमने नंबर लिख लेना है क्वेश्चन। रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, 43450 को, 43450 को हम माइनस कर मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। हमने क्या करना है, 69610 से जो हमारे पास अभी आंसर आया था उसे हम माइनस कर देंगे, हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 10। और हमें पता है कि 10 किसके इक्वल होता है, ए के। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 43450 को 16 से डिवाइड करेंगे। 4350 डिवाइडेड बाय 16, नंबर हमारे पास आ जाता है 271.87। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हमने काट देना है। ये हमारा थोड़ा ना रफ़ पार्ट है, ये आप किसी रफ़ हिस्से पे कर लीजिएगा या पेंसिल से कीजिएगा, बाद में इसको इरेज कर देंगे। तो हमारे पास आया 271, यहाँ पे हम लिखेंगे 271, ठीक है। अब हमने क्या करना है, रिमाइंडर कैसे निकालेंगे, 271 मल्टीप्लाई बाय 16, ये हो गया, ये आंसर में सेव हो गया। 4350 इसमें से हम माइनस कर देंगे जो अभी हमने मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला था, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 14। और 14 हमारे पास इक्वल होता है ई के। क्लियर। अब हमने अगेन 16 से डिवाइड कर देना, हमने तब तक डिवाइड करना है जब तक कि वैल्यू 16 से छोटी ना रह जाए। 271 डिवाइडेड बाय 16 आंसर आ गया 16। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देते हैं हम 16 मल्टीप्लाई बाय 16, और हमारे पास ऊपर क्या आंसर है, 271 माइनस आंसर यहाँ पे आ जाएगा 15 इज इक्वल टू एफ। 16 है, 16 से डिवाइड होगा 1 और रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 0, और आंसर फिर हमने उसी तरतीब से लिखना है ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 एफ ई ए हेक्सा डेसिमल में। तो आप देख सकते हैं हमारे पास सेम आंसर है, ठीक है। बाइनरी में है हमने इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, और हेक्सा में है तो हमने डेसिमल, यानी पहले हम डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम में गए, अब हम अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल में आएंगे। जब हम अदर नंबर सिस्टम से डेसिमल में आएंगे तो हम एक्सट्रैक्ट मेथड यूज़ करेंगे। एक्सट्रैक्ट मेथड क्या होता है हम देख लेते हैं। अब हमें नंबर कुछ भी दिया गया है, सपोज करें हमें नंबर दिया गया है 100000001, ये बाइनरी में दिया गया है, इसे हमने हेक्स डेसिमल में चेंज करना है, तो हम एक्सट्रैक्ट मेथड यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हर नंबर को हम अलहदा लिख लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे बेस के साथ, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे 1 × 2 + 0 × 2। देखें 1 × 2 + 0 × 2 + 0 × 2 + 0 × 2 + 0 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2। क्लियर। अब हम यहाँ पे इनके प्लेसेस डाल देंगे, यानी ये यूनिट प्लेस पे है, ये नेक्स्ट, ये इससे नेक्स्ट, ये उससे नेक्स्ट, ये उससे नेक्स्ट, ये उससे नेक्स्ट, तो हम इसी तरह 2 की पावर यहाँ पे डालते जाएंगे। सॉरी, 0 से हमने स्टार्ट करना है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। यहाँ 2 यानी 2 के ऊपर हम जो है ना पावर डाल देंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। फिर हम इसका जो है आंसर निकाल अच्छा ये जो पावर्स भी हैं हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करेंगे, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये ठीक है या गलत, कैलकुलेटर से आंसर हमारा ठीक ही आता है। तो हम करेंगे 2 पावर
ज़ीरो तो आंसर आया हमारे पास वन, यानी वन इंटू वन प्लस। अब इतना आपको पता है कि ज़ीरो से जो भी मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो हम अपनी इनकी पावर्स निकालने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़ीरो से जो भी मल्टीप्लाई होगा चाहे वो फाइव हो, एट हो, नाइन हो, जो भी हो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस। आप लोगों ने काम स्मार्टली करना है, यानी कि जो यहाँ पे हमें पता है ज़ीरो है तो वो ज़ीरो हो जाएगा। हम पावर्स नहीं कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, यानी यहाँ पावर कैलकुलेट करेंगे फिर हमने ज़ीरो से मल्टीप्लाई करके आंसर एंड में हमने ज़ीरो ही करना है। तो हम इसे स्मार्टली क्या करेंगे, हम इसे ज़ीरो कर देंगे, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो। यहाँ पे अब ये वन से मल्टीप्लाई हो रहा तो हम पावर ले लेंगे टू पावर सिक्स, जो हमारे पास आ गया सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर इंटू वन। तो क्या आंसर आ जाएगा, सिक्सटी फोर प्लस वन, हमारे पास आंसर आ जाएगा 65 डेसिमल में कन्वर्ट। ओके क्लियर, ये आप बुक में भी देख सकते हैं, हमारे पास आंसर आ गया है 65। अब अगला हम कर लेते हैं, अगला हमारे पास क्या है, हमने हेक्सा टू डेसिमल कन्वर्जन करनी है। सेम एक्सट्रैक्ट मेथड यूज़ होगा और बेस हमारे पास क्या होगी, 16 होगी, क्योंकि हेक्सा से डेसिमल कन्वर्जन है हमारे पास। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है C921, ये मैंने आप लोगों की बुक से ही एग्जांपल ली है C921। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे, C को इंटू 6 प्लस 9 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 16। तो यहाँ पे आ जाएगा सेम C इंटू 16 प्लस 9 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 16। और यहाँ हम पावर दे देंगे 0, 1, 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब देखें ये 1 है, ये 2 है, ये 9 है, लेकिन ये C है। C वैसे तो रिप्रेजेंट करता है हेक्साडेसिमल के नंबर को, लेकिन हम यहाँ पे इसके साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो आपको पता होगा कि C किसके इक्वल होता है, A इक्वल होता है 10 के, B इक्वल होता है 11 के और C इक्वल होता है हमारे पास 12 के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 इंटू 6 पावर 3 प्लस 9 इंटू 16 पावर 2 प्लस 2 इंटू 16 पावर 1 प्लस 1 इंटू 16 पावर 0। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और एक और बात, जिसकी भी पावर 0 होगी वो आंसर हमेशा क्या होता है, 1। तो हमने स्मार्टली काम करना है और यहाँ पे और जिसकी पावर 1 होगी वो वही रहता है, यानी 0 जो पावर होगी वो 1 कर देता है और जो 1 होती है वो सेम रहता है। तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। हम इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ नहीं करेंगे, हमने अपना टाइम जो है बचाना है। तो 16 पावर 2, ये 256 आ गया हमारे पास, 9 इंटू 256 प्लस 16 पावर 3, आंसर इज़ 4096, 4096 इंटू 12। हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर निकालते जाएंगे इंटू 12, ये आ जाएगा हमारे पास 49152 प्लस 256 इंटू 9, ये आ जाएगा हमारे पास 2304 प्लस 2 इंटू 16, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 32। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा 1। जब हम इन सबको सम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15489 और ये कन्वर्ट हो चुका है डेसिमल के अंदर, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक इट, और कोई क्वेश्चन हो तो उसे आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर कोई चीज़ आपको ठीक नहीं लगी आप वो भी बता सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मैंने दूसरी वीडियोज़ बनाई हुई हैं ट्रुथ टेबल के ऊपर, एल्गोरिदम के ऊपर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स डाल दूँगी, ताकि आपको अगर वो वीडियो देखनी हो, कोई टॉपिक ना समझ आए तो आपको ईजिली मिल जाए। थैंक यू।